Hello guys, namaste, welcome back to my channel, and today we are going to play Flower, which is a very unique art game, and I'm sure you guys will enjoy this game. So this game is very unique. So this is a very unique game जहाँ पे हम एक फूल लेते हैं और उस फूल के पंखड़ियों को हम उनका एक ग्रुप बनाते हैं एंड वी जस्ट वांडर इन द फील्ड्स. इस खुली वादी में हम बस घूमते रहेंगे. तो अभी एक पंखड़ी, अभी ये दो पंखड़ी. ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, बेसिकली इस गेम का पॉइंट ये है कि हमें जितने भी फूल हैं उनको खेलना है. आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट फॉर दिस गेम. और अभी हम उसी की कोशिश करेंगे. और धीरे धीरे सारे फूल अपने साथ हम लेते चलेंगे. और जैसे जैसे हम अलग अलग फूल अपने साथ लेते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक नई सरगम बनती जाती है. और यही है का मकसद है. ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गेम नहीं है. दिस इज़ अ वेरी सिंपल गेम. और इस गेम का पॉइंट ये है कि आपको रिलैक्स कराए, आपको एक ऐसी वादी में छोड़ के आ जाए जहाँ पे आपको मज़ा आ जाए और ऐसी जैसी हरियाली आपकी ज़िंदगी में भर जाए. आप देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे जो फूल हैं वो गुलशन हो रहे हैं. अभी हम इन फूलों की तरफ जाएंगे. लाली जा गई, अब हम इन फूलों के पास जाएंगे. तो बस यही इस गेम का मकसद है कि हर जगह धीरे धीरे हरियाली पहुंचाना. अब मेरे ख्याल से यहाँ पे भी शायद से कुछ फूल हो सकते हैं, अभी तो नज़र नहीं आ रहे, बट हमें वहाँ पे एक फूल का गुच्छा आ रहा है. अब वहाँ पे भी हरियाली फैलाते हैं. और देखिए, और ये लीजिए, फिर से हरियाली फैला दी हमने. तो बस यही इस गेम का मकसद है कि आपकी ज़िंदगी में हरियाली छा जाए. दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड क्रिएटिव गेम. और ये लीजिए, देखिए कैसे धीरे धीरे करके हरियाली छा गई. तो अब हम इसी जर्नी पे थोड़ा आगे चलेंगे. वी विल कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी एंड वी विल ट्राई टू फिल दिस वर्ल्ड विद कलर्स. रंग बिरंगी दुनिया बनाने की हमारी कोशिश रहेगी. और यहाँ के कुछ लाल फूलों की तरफ हम अपना रास्ता बढ़ाते हुए, और ये देखिए हरियाली फिर से छा गई. कितना बढ़िया गेम है ये. और अब यहाँ पे धीरे धीरे फूल उग रहे हैं. अब हम इन फूलों के पास भी जाएंगे और ज़्यादा हरियाली फैलाने की कोशिश करेंगे. देखिए जैसे जैसे हम इन फूलों
फूलों को टच करते हैं तो ये लाल रंग के फूल जो है कि जगह ले लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी हरियाली छा गई। अब हम अपना रास्ता आगे की तरफ करेंगे जहाँ पे हमें वो एक पेड़ नजर आ रहा है। तो अब आगे उस पेड़ पे है क्या, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं कि हमें आगे उस पेड़ की तरफ क्या देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं कुछ बड़ी ही रोमांचक सी चीज़ देखने को मिलेगी। ये ब्लैक एंड वाइट से देखने वाली दुनिया में देखते हैं हम कितने रंग भर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके अंदर भी बहुत सारे रंग भरे। आप देख रहे होंगे चीज़ें धीरे धीरे हरी होनी शुरू हो रही है। ऐसे ही मैं टर्न करूँगा और इस गेम का यही मकसद है कि जो है हरियाली छाती जाए और सब कुछ खुशनुमा होता जाए। अब यहाँ पे हमें कुछ और बड़े खास से दिखने वाले फूल नज़र आ रहे हैं और अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे इस पेड़ में भी शायद से हरियाली सी छाएगी। हम जैसे देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ पेड़ की तरफ कुछ गतिविधियाँ होती भी हमें नज़र आ रही है। और ये लीजिए एक हमने धीरे धीरे सारे पत्ते जो हैं वो इस पेड़ में पड़ने शुरू करेंगे हम आई थिंक। और अब एक नए फूल का निर्माण हो गया और उस नए फूल ने उस पूरे विश्व में हरियाली फैला दी। तो ऐसा ही इस गेम का मकसद है। तो आई एम श्योर आपको मज़ा आ रहा होगा। अब जैसे आप देख सकते हो एक नया फूल उसकी जगह पर अब आ गया है। अब आपकी इजाज़त हो तो मैं इस फूल को भी आपको दिखाने की ज़हमत करूँगा। अब हम एक लाल फूल की तरफ से खेलेंगे जो इस दुनिया में रंग भरने की अपनी कोशिश करेगा और हम कोशिश करेंगे कि हम भी इस दुनिया में कुछ खुशनुमा रंग भर सके। वहाँ पे हमें कुछ नए पीले रंग के फूल नजर आ रहे हैं। बढ़ते रहेंगे
अब हम यहाँ से टर्न लेंगे और टुप 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 और ये कुछ फूल हमें यहाँ नजर आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ फूल नजर आ रहे हैं और जैसे देख सकते हैं वाह, धीरे धीरे अब नए तरीके के कुछ फूल मुझे लग रहा है उग रहे हैं। अब हम उनके पास जाते हैं। ये कुछ नए नीले से रंग के फूल जो हमें देख रहे हैं, अब हम आगे बढ़ते रहेंगे और देखते हैं अगर हमें कुछ और फूल नजर आते हैं। जैसे वो नीचे दिख रहे हैं हमें फूल, अब हम इन फूल का पीछा करते हैं। क्या परिवर्तन हमें देखने को यहाँ मिल रहा है कुदरत के अंदर ही, और जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ठीक होती जा रही हैं। और रोशनी हर जगह फैलती भी नज़र आ रही है। अब मुझे लगता है हमें आगे की ओर चलना पड़ेगा और देखते हैं कि हमें आगे और क्या। अब हम आगे अपना रास्ता करेंगे और आगे एक तरह की पुलिया नजर आ रही है। रास्ता तो अब देख रहे हैं कि कैसे चीजों में थोड़ी सी, हमने इस जगह को तो देख लिया था, अब हमें कहाँ जाना है? ये क्या है? चलिए इसको हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये हमसे क्या कहना चाह रही है? अगर मैं इस तरफ जाऊं तो क्या होगा? यहाँ तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। जैसे ये भी इतना खुले खुले वादियाँ हमें देखने को मिल रही हैं, ओपन फील्ड्स, नथिंग बट ये लीजिए, हमने एक और जगह को अनलॉक कर लिया है। आई थिंक हमें धीरे धीरे करके इन सारी जगहों को खोलना है। तो वहां पे जो फूल थे अगर हमने कलेक्ट करे तो कैसे चट्टान अचानक से खुल गए हमारे सामने। तो क्या अब हम आगे की ओर रास्ता अपना बना सकते हैं? वही चीज देखनी होगी। और कुछ
अब देखिए कैसी एक सो ब्यूटिफुल सो चार्मिंग आई रियली एंजॉय दिस। कुछ नए किस्म के फूल हमारे सामने नजर आती हुई, लेट्स कलेक्ट देम। और अब हमें दिशा दिखाते हुए क्या रास्ता इनकी तरफ ले जाना होगा। और ये देखिए अब वाओ, बहुत ही बेहतरीन किस्म की हरियाली छा रही है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है। ये हम चले 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 ऐसा लग रहा है शायद से बारिश शुरू हो गई है। बड़ी बड़ी जो ये पत्थर है ये अपना रास्ता बदलते हुए हमारे सामने नजर आ रही है। अब हमें उनके और करीब जाना चाहिए। वाह, अब एक नए तरीके के फूल हमारे सामने नजर आते हुए। तो देखना यह कि इन फूलों की क्या खासियत है। और अब ये पत्थर भी धीरे धीरे तब्दील होता हुआ अब सबका रुख, जी हाँ, ये शायद से अब हमें यहाँ पे जाने का इशारा करते हुए, और ये हम गए। और धीरे 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 पूरी जगह तब्दील हो गई। वाह क्या बात है, बहुत मज़ा आया। इतनी खूबसूरत वादी, बेमिसाल, जितना कहे उतना कम। तो हाँ जी, आज हमने दो फूलों की ओर नज़र डाली फ्लावर गेम में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। अभी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। आई विल सी यू गाइस लेटर।